बसमिल क्लास फ़ाइव हमने अपना फ़र्स्ट यूनिट अल्लाह के करम फजल से कम्प्लीट कर लिया है अब हमें सेकेंड यूनिट की जानब चलना है जो कि है एच सी एफ़ एंड एल सी एम ठीक है तो सबसे पहले हम एच सी एफ़ को डिस्कस करेंगे एच सी एफ़ के डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं हाइस्ट कामन फैक्टर एच फोर हाइस सी फोर कामन एफ फोर फैक्टर अफ टू आर मोर नंबर इज़ द ग्रेट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली ठीक है तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज टू पॉइंट वन का वो कहते हैं कि इनका एच सी एफ फाइन करना हमने बाय प्राइम फैक्ट्राइजेशन मैथड से ठीक है थीके? तो आइए प्राइम फैक्ट्राइजेशन मैथड को यूज़ करते हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन का एच सी एफ फाइन करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है टेन फिफ्टीन एंड ट्वेंटी तो सबसे पहले हम इन्हें फैक्ट्राइज कर लेंगे ठीक तो है तो टेन है तो टेन को फैक्ट्राइज करने के लिए हम टू के डबल को यूज़ करेंगे टू फाइव टाइम टेन और फाइव वन टाइम फ़ाइव तो टेन की फैक्ट्राइजेशन क्या आ गई है टेन इज़ इक्वल टू टू मल्टीप्लाई फ़ाइव ठीक है और उसके बाद हमें फ़िफ्टीन की करनी है हम यहाँ लिख लेंगे फ़िफ्टीन और फिफ्टीन हमारा थ्री के टेबल में आएगा थ्री फाइव सर फिफ्टीन और फाइव वन टाइम फ़ाइव तो फिफ़्टीन की फैक्ट्राइजेशन लिखने क्या है थ्री मल्टीप्लाई फ़ाइव उसके बाद ट्वेंटी है तो ट्वेंटी की प्राइम फैक्ट्राइजेशन कर लेते हैं तो ट्वेंटी के लिए हम टू के टेबल को यूज़ करेंगे पहले टू टेन टाइम ट्वेंटी ठीक है सबसे मिनिमम टेबल को यूज़ करते हैं उसके बाद फिर टू के टेबल से टेन को डिवाइड करेंगे टू फाइव टाइम टेन और फाइव वन टाइम फाइव ठीक है तो अब हमारे पास क्या नंबर्स आ गए हैं टू फिफ्टीन ट्वेंटी की फैक्टराइजेशन के लिए टू मल्टीप्लाई टू एंड मल्टीप्लाई फाइव तो हमने ए सी एफ लिखना है तो एच सी एफ क्या है हाइस्ट कामन फैक्टर कि ये जो हमारी प्राइम फैक्ट्राइजेशंस आई हैं टेन की फिफ्टीन की ट्वेंटी की इनमें जो कामन है फैक्टर हाइस्ट कामन फैक्टर है ऐसा नंबर जो तीनों वैल्यूज़ में आ रहा है वो कौन सा है तो वो नंबर फाइव है जो हमारी तीनों प्राइम फैक्ट्राइेशनस में आ रहा है ठीक है तो हमारा ए सी एफ क्या आ जाएगा फाइव ठीक है आगे सेकेंड पार्ट है हमारा सेकेंड क्वेश्चन है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड फोर्टी एट क्वेश्चन नंबर टू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड फोर्टी एट तो इसकी भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो पहले ट्वेंटी है तो हम ट्वेंटी की करेंगे तो ट्वेंटी के लिए टू के टेबल को यूज़ करेंगे टू टेन टाइम ट्वेंटी टू फाइव टाइम टेन और फाइव वन टाइम फाइव ठीक है उसके बाद हम ट्वेंटी फोर की कर लेंगे ट्वेंटी फोर टू ट्वेल्व टाइम ट्वेंटी फोर टू सिक्स टाइम ट्वेल्व टू थ्री टाइम सिक्स और थ्री वन टाइम थ्री उसके बाद फोर्टी एट की भी कर लेते हैं फोर्टी एट तो फोर्टी एट के लिए भी हम टू के टेबल को यूज़ करेंगे टू टू टाइम फोर और टू फोर टाइम एट और टू ट्वेल्व टाइम ट्वेंटी फोर और टू सिक्स टाइम ट्वेल्व टू थ्री टाइम सिक्स और थ्री वन टाइम थ्री ठीक है तो यहाँ पे हम इन सब की प्राइम फैक्टराइजेशन को राइट डाउन कर लेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे प्राइम P4 prime fr factorization prime factorization of 20 of 20 is equal to इक्वल क्या है वो 2 multiply 2 multiply 5 ठीक है उसके बाद हम लिखेंगे prime factorization of 24 second number की वो क्या है 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 हमारा थ्री टाइम 2 है और 1 टाइम 3 है उसके बाद थर्ड नंबर है हमारा prime factorization of 48 तो 48 के लिए क्या है वन टू थ्री फोर फोर टाइम टू है वन टू थ्री एंड फोर और वन टाइम थ्री है ठीक है उसके बाद हमें इनका एच सी एफ लिखना है तो देखें कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं हमारे जो तीनों में कामन आ रहे हैं सबसे पहले तो ये देखें ये टू हमारा तीनों वैल्यूज़ के अंदर कामन है उसके बाद ये वाला टू हमारा तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कामन है उसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में आ रहा हो तो लिहाजा क्या नंबर आ गए हैं टू मल्टीप्लाई टू ये दो नंबर हमारे ए आ जाएंगे टू टू टाइम फोर तो इन थ्री नंबर्स का ए क्या आ गया ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फोर्टी एट का फोर ठीक है आगे क्वेश्चन नंबर थ्री है क्वेश्चन नंबर थ्री ट्वेल्व ट्वेंटी फोर एंड फोर्टी ठीक है तो उसी तरह से पहले हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ट्वेंटी की कर लेते ट्वेल्व की कर लेते हैं तो ट्वेल्व के लिए हम टू के डबल को यूज़ करेंगे टू सिक्स टाइम ट्वेल्व और सिक्स के लिए टू थ्री टाइम सिक्स और थ्री वन टाइम थ्री तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ़ ट्वेल्व इज इक्वल टू क्या आ गई है टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री ठीक है अब उसके बाद हमारा सेकेंड नंबर है ट्वेंटी फोर प्राइम फैक्ट्राइजेशन ऑफ ट्वेंटी फोर तो वो भी करके देख लेते हैं ट्वेंटी फोर तो टू ट्वेल्व टाइम ट्वेंटी फोर टू सिक्स टाइम ट्वेल्व टू थ्री टाइम सिक्स और थ्री वन टाइम थ्री तो क्या आ गया थ्री टाइम टू आ गया वन टू थ्री और वन टाइम थ्री आ गया ठीक है उसके बाद फोर्टी की करते हैं तो फोर्टी देखें फोर्टी भी हमारा टू के टेबल में आता है तो टू ट्वेंटी टाइम फोर्टी उसके बाद टू टेन टाइम ट्वेंटी ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हमारा टू फाइव टाइम टेन हो जाएगा टू फाइव टाइम टेन टेन और फाइव वन टाइम फाइव ठीक है तो अब हम 40 की भी लिख लेंगे प्राइम फैक्ट्राइजेशन ऑफ 40 तो 40 की क्या आई है थ्री टाइम टू है और वन टाइम फाइव थ्री टाइम टू लिखा और वन टाइम फाइव लिखा ठीक है तो अब देखें कि हमारा हाइएस्ट कामन फैक्टर क्या आएगा तो ऐसे तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन से नंबर्स हैं जो तीनों में कॉमन है एक तो ये टू हमारा तीनों में कामन है देन ये वाला टू हमारा तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन है उसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कामन हो तो यहाँ पे भी हमारा जो दो नंबर हैं जो दोनों में हाईएस्ट कामन फैक्टर रखते हैं टू मल्टीप्लाई टू और टू टू टाइम फोर तो एचसीएफ सी एफ क्या आ जाएगा फोर ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर की जाने चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है ट्वेंटी फाइव थर्टी एंड थर्टी फाइव नंबर फोर ट्वेंटी फाइव थर्टी एंड थर्टी फाइव तो सबसे पहले हम इनकी प्राइम फैक्ट्रेशन कर लेंगे ट्वेंटी फाइव की करेंगे तो फाइव फाइव टाइम ट्वेंटी फाइव एंड फाइव वन टाइम फाइव ठीक है उसके बाद कौन सा नंबर है हमारे पास थर्टी है तो थर्टी की कर लेंगे तो 30 देखें 2 के टेबल में आता है जी हां टू फिफ्टी थर्टी और फिर फिफ्टीन किस में आएगा थ्री के टेबल में थ्री फाइव सर फिफ्टीन और फाइव फाइव वन टाइम फाइव ठीक है सबसे मिनिमम सबसे स्मॉलर टेबल को यूज़ कर, करते हैं उसके बाद थर्टी फाइव की करेंगे थर्टी फाइव तो थर्टी फाइव टू के टेबल में नहीं आता थ्री में भी नहीं आता फाइव में आएगा ठीक है फाइव सेवन टाइम थर्टी फाइव और सेवन वन टाइम सेवन अब यहाँ पर हम सबकी प्राइम फैक्ट्रजन लिख लेंगे प्राइम फैक्ट्रजेशन ऑफ ट्वेंटी फाइव तो वो क्या आई है फाइव मल्टीप्लाई फाइव उसके बाद सेकेंड नंबर क्या था प्राइम फैक्ट्राइजेशन ऑफ थर्टी तो थर्टी की क्या आई है टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव ठीक है उसके बाद थर्ड नंबर क्या था थर्टी फाइव तो प्राइम फैक्ट्राइजेशन ऑफ थर्टी फाइव इज इक्वल टू क्या है फाइव मल्टीप्लाई सेवन तो देखें हमारा तीनों वैल्यूज़ के अंदर कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है तो ये देखें कि फाइव एक ऐसा नंबर है जो हमारा तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन आ रहा है तो हमारा ए सी एफ क्या आ जाएगा फाइव ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव की जानव चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव फिफ्टीन थर्टी एंड फोर्टी फाइव ठीक है फिफ्टीन थर्टी एंड फोर्टी फाइव तो अब हमें इन सब की क्या करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है उसके बाद हाईएस्ट कामन फैक्टर देखना है पहले 15 है तो हम 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं थ्री फाइव आर फिफ्टीन और फाइव वन टाइम फाइव तो 15 की क्या आ गई है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 इज़ इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई फ़ाइव उसके बाद सेकेंड नंबर थर्टी है थर्टी करके देख लेते हैं थर्टी टू फिफ्टीनजर थर्टी मिनिमम टेबल को यूज़ करेंगे उसके बाद फिफ्टीन है तो थ्री फाइव सार फिफ्टीन फाइव है तो फाइव वन टाइम फाइव तो प्राइम फैक्ट्राइजेशन ऑफ थर्टी वो क्या आ गई है टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फोर्टी फाइव तो फोर्टी फाइव भी कर लेते हैं फोर्टी फाइव तो फोर्टी फाइव के लिए हम थ्री के टेबल को यूज़ करेंगे टू के टेबल में क्योंकि ये नहीं आएगा तो थ्री वन टाइम थ्री यहाँ से कैरी आगे गया फिफ्टीन और थ्री फाइव टाइम फिफ्टीन ठीक है तो थ्री फिफ्टीन ज़ार फोर्टी फाइव हो गया उसके बाद फिफ्टीन के लिए थ्री फाइव ज़ार फिफ्टीन और फाइव वन टाइम फाइव ठीक है उसके बाद हम इसकी भी लिख लेंगे प्राइम फैक्ट्रीजेशन ऑफ प्राइम फैक्ट्राइशन ऑफ फोर्टी फाइव तो क्या आई है फोर्टी फाइव की थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव ठीक है तो ए सी एफ क्या आ जाएगा हमारा देखें हमारी तीनों प्राइम फैक्ट्रजेशन में कौन कौन से नंबर हैं जो तीनों में आ रहे हैं एक देखें, ये देखेंगे थ्री हमारा तीनों में आ रहा है उसके बाद ये फाइव भी हमारा तीनों प्राइम फैक्ट्रजेशन में आ रहा है तो ये दो नंबर हैं हमारे जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए सी एफ आ जाएगा थ्री फाइव आर फिफ्टीन तो हमारा हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया इसका फिफ्टीन ठीक है उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जो कि है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स तो क्वेश्चन नंबर सिक्स की वैल्यू देखते हैं क्या है ट्वेंटी फोर्टी एंड एटी ट्वेंटी फोर्टी एंड एटी तो आइए इसकी अब हम प्राइम फैक्ट्राइन प्राइम फैक्ट्राइजेशन करते हैं उसके बाद फिर हम देन इसका ए सी करते हैं ठीक है तो पहले ट्वेंटी है तो हम ट्वेंटी की प्राइम फैक्ट्राइजेशन करेंगे तो टू के टेबल से कर लेते हैं टू टेन टाइम ट्वेंटी और टू फाइव टाइम टेन और फाइव वन टाइम फाइव ठीक है तो हम यहाँ पे ले राइट डाउन कर लेते हैं प्राइम फैक्ट्रजेशन ऑफ ट्वेंटी इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई फ़ाइव ठीक है उसके बाद सेकेंड नंबर है हमारा फोर्टी तो फोर्टी की कर लेंगे फोर्टी की के फोर्टी के लिए भी हम टू के टेबल को यूज़ करते हैं टू ट्वेंटी टाइम फोर्टी ट्वेंटी के लिए 2 10 टाइम ट्वेंटी और 10 के लिए 2 5 टाइम टेन और 5 के लिए 5 1 टाइम 5 ठीक है तो ये क्या आ गया है थ्री टाइम टू आ गया और वन टाइम फाइव तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई फाइव ठीक है उसके बाद थर्ड नंबर है हमारा प्राइम फैक्ट्राइजेशन ऑफ एट्टी तो एट्टी की प्राइम फैक्ट्राइजेशन कर लेंगे तो उसके लिए हम टू के टेबल को यूज़ करेंगे टू फोर्टी टाइम एट्टी उसके बाद टू ट्वेंटी टाइम फोर्टी और टू टेन टाइम ट्वेंटी और टेन के लिए टू फाइव टाइम टेन और फाइव के लिए फाइव वन टाइम फाइव ठीक है तो 80 के लिए हम लिखेंगे फोर टाइम टू लिखेंगे टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू वन टू थ्री फोर मल्टीप्लाई फ़ाइव ठीक हो गया टू टू ज़ार फोर फोर टू ज़ार एट एट टू सिक्सटीन एंड सिक्सटीन फाइव 80 एट्टी ठीक है अब देखें इन सब में हमारे पास कॉमन क्या है तो वो हमारा एच सी एफ आ जाएगा एक तो ये देखें टू सब में है उसके बाद ये वाला टू हमारा तीनों प्राइम फैक्ट्री में आ रहा है उसके बाद ये फ़ाइव हमारा तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है तो क्या नंबर्स आ गए हैं टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई फाइव तो इनको मल्टीप्लाई कर लें टू टू हजार फोर और फोर फाइव टाइम क्या आ जाएगा ट्वेंटी तो हमारा आई क्या आ गया है ट्वेंटी ठीक है इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की जाने क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन है ट्वेंटी फोर एंड सिक्सटी तो इसका एच सी करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन ट्वेंटी फोर फोर्टी एट एंड सिक्सटी तो इन तीनों की पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में ही हमें टू के डबल को यूज़ करेंगे ट्वेंटी फोर के लिए टू ट्वेल्व टाइम ट्वेंटी फोर टू सिक्स टाइम ट्वेल्व टू थ्री टाइम सिक्स और थ्री वन टाइम थ्री ठीक है अब सेकंड नंबर है हमारा 48 उसकी भी कर लेते हैं तो 48 के लिए हम टू के टेबल को यूज़ करते हैं टू टू ज़ार फोर टू फोर ज़ार एट ठीक है और उसके बाद 24 के लिए टू ट्वेल्व टाइम ट्वेंटी फोर टू सिक्स टाइम ट्वेल्व टू थ्री टाइम सिक्स और थ्री वन टाइम थ्री ठीक है उसके बाद सिक्सटी रह गए तो सिक्सटी ही कर लेते हैं उसके लिए भी टू के टेबल को यूज़ करते हैं टू थर्टी टाइम सिक्सटी टू फिफ्टीन साइ थर्टी और थ्री फाइव टाइम फिफ्टीन और फाइव वन टाइम फाइव ठीक है अब इन सब की प्राइम फैक्टराइजेशन को हम यहाँ पे लिख लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर की क्या आई थी टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री थ्री टाइम टू है और वन टाइम थ्री है उसके बाद सेकेंड नंबर है हमारा फोर्टी एट उसकी लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फोर्टी एट तो कितने टाइम है हमारा यहाँ पे वन टू थ्री एंड फोर टाइम टू है वन टू थ्री एंड फोर टाइम टू है और वन टाइम थ्री है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट सिक्सटी की लिखेंगे प्राइम फैक्ट्रेशन ऑफ सिक्सटी तो उसके लिए हमारे पास क्या है टू टाइम टू है वन टाइम थ्री है और वन टाइम फाइव है फाइव थ्री हज़ार फिफ्टीन फिफ्टीन टू हज़ार थर्टी और थर्टी टू हज़ार सिक्सटी तो इनका एच देखते हैं सबसे पहले तो ये देखें ये वाला टू हमारा सब में कॉमन आ रहा है उसके बाद ये सेकंड टू हमारा तीनों प्राइम फैक्ट्राइजेशन में कॉमन आ रहा है उसके बाद ये थ्री देखें हमारा ये थ्री हमारा तीनों प्राइम फैक्ट्राइजेशन में कॉमन आ रहा है तो क्या नंबर आ गए हैं टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री इन सबको मल्टीप्लाई कर लें टू टू दर फोर फोर थ्री टाइम ट्वेल्व तो एच क्या आ गया ट्वेल्व ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की जानी तो क्वेश्चन नंबर एट है हमारा ट्वेंटी फ़ोर फोर्टी एट सेवेंटी टू ट्वेंटी फोर फोर्टी एट एंड सेवेंटी टू तो अब हमें इन सब की पहले प्राइम फैक्ट्राइजेशन कर लेनी है तो ट्वेंटी फ़ोर की करेंगे पहले ट्वेंटी फ़ोर टू ट्वेल्व टाइम ट्वेंटी फ़ोर टू सिक्स टाइम ट्वेल्व टू थ्री टाइम सिक्स एंड थ्री वन टाइम थ्री ठीक है उसके बाद फोर्टी एट की कर लेते हैं टू एट टाइम सिक्सटीन और टू फोर टाइम एट टू टू टाइम फोर और टू वन टाइम टू ठीक है उसके बाद ट्वेंटी फ़ोर की कर लेते हैं तो उसके लिए हम टू के टेबल को यूज़ करेंगे टू ट्वेल्व टाइम ट्वेंटी फोर और टू सिक्स टाइम ट्वेल्व टू थ्री टाइम सिक्स और थ्री वन टाइम थ्री ठीक है उसके बाद हमारे पास जो थर्ड नंबर है वो है सिक्सटी फोर तो सिक्सटी फोर की कर लेंगे तो सिक्सटी फोर के लिए भी हम टू के टेबल को यूज़ करेंगे तो टू के टेबल में हमें टू थ्री टाइम सिक्स और टू टू टाइम फोर और सिक्स थर्टी टू के लिए टू सिक्सटीन टाइम थर्टी टू और सिक्सटीन के लिए टू एट टाइम सिक्सटीन और एट के लिए टू फोर टाइम एट और फोर के लिए टू टू टाइम फोर और टू वन टाइम टू ठीक हो गया तो अब हमें इन सब की प्राइम फैक्टराइजेशन को यहाँ पे सेपरेटली लिख लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सिक्सटीन इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड फोर फोर टाइम टू आ जाएगा वन टू थ्री एंड फोर उसके बाद सेकंड नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ़ 24 तो 1 2 3 टाइम 2 आ जाएगा और 1 टाइम 3 आ जाएगा ठीक है उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64 तो 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम हमारा 2 आ जाएगा 1 2 3 4 फाइव एंड सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो अब हमें इन सब का ए सी एफ फाइन कर लेना है हाईस्ट कामन फैक्टर तो देखिए कौन से नंबर हैं जो तीनों में कामन है एक तो ये टू देखें तीनों में कामन आ रहा है उसके बाद ये सेकेंड टू हमारा तीनों में कामन आ रहा है उसके बाद ये थर्ड टू हमारा तीनों में कामन आ रहा है तो उसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं जो तीनों में कामन हो तो हमारा लिहाजा पे यहाँ पे हमारे ये तीन नंबर्स आ जा जाएंगे टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे टू टू फोर और फोर टू टाइम एट तो हमारा ए क्या आ गया क्वेश्चन नंबर नाइन का एट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की जानब तो क्वेश्चन नंबर टेन है हमारा ट्वेल्व थर्टी सिक्स एंड फोर्टी एट क्वेश्चन नंबर टेन ट्वेल्व थर्टी सिक्स एंड फोर्टी एट तो सबसे पहले हमें इन सब का इन सब की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है ट्वेल्व की कर लेते हैं टू सिक्स टाइम ट्वेल्व टू थ्री टाइम सिक्स और थ्री वन टाइम थ्री ठीक है तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई है ट्वेल्व की प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ट्वेल्व इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री ठीक है उसके बाद सेकेंड नंबर है हमारे पास थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स की कर लेंगे थर्टी सिक्स के लिए हम टू के डबल को यूज़ करेंगे टू एटीन टाइम थर्टी सिक्स टू नाइन टाइम एटीन और थ्री थ्री टाइम नाइन और थ्री वन टाइम थ्री ठीक हो गया तो थर्टी सिक्स की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 इज इक्वल टू क्या है टू टाइम टू है वन एंड टू और टू टाइम ही थ्री है वन एंड टू ठीक है टू टाइम थ्री और टू टाइम फोर टू हज़ार फोर फोर थ्री हज़ार ट्वेल्व और ट्वेल्व थ्री हज़ार थर्टी सिक्स ठीक है उसके बाद फोर्टी एट है फोर्टी एट की कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन फोर्टी एट तो उसके लिए हम टू के टेबल को यूज़ करेंगे टू टाइम फोर टू फोर टाइम एट उसके बाद ट्वेंटी फोर है तो टू ट्वेल्व टाइम ट्वेंटी फोर 12 है तो 2 6 टाइम 12, 6 है तो 2 3 टाइम 6 और 3 है तो 3 1 टाइम 3. तो हम इसकी भी लिख लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48. तो कितने टाइम है 4 टाइम 2 है 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 और 1 टाइम 3 है ठीक हो गया तो अब हमें इन सब का एच सी एफ कर लेना है एट सी एफ हाइस्ट कामन फैक्टर एक तो ये देखें ये टू तो हमारा तीनों में कॉमन है उसके बाद ये टू हमारा तीनों में कामन है और उसके बाद ये थ्री हमारा तीनों में कामन है इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे टू टू टाइम फोर और फोर थ्री टाइम क्या आ जाएगा ट्वेल्व तो हमारा ए क्या आ गया ट्वेल्व ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर इलेवन की जानब चलते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर इलेवन है ट्वेंटी वन फोर्टी टू एंड सिक्सटी थ्री क्वेश्चन नंबर इलेवन ट्वेंटी वन फोर्टी टू एंड सिक्सटी थ्री ठीक है तो सबसे पहले हम ट्वेंटी वन की करते हैं तो ट्वेंटी वन देखें किस टेबल में आएगा टू के टेबल में तो नहीं आएगा ठीक है थ्री के टेबल में आएगा थ्री सेवन टाइम ट्वेंटी वन और सेवन वन वन्ता, टाइम सेवन तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ट्वेंटी वन क्या आ गई है थ्री मल्टीप्लाई सेवन ठीक है उसके बाद फोर्टी एट की कर फोर्टी टू की कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. तो टू के टेबल से हो जाएगी टू टू टाइम फोर और टू वन टाइम टू अब दोबारा से ट्वेंटी वन आ गया तो थ्री के टेबल को यूज़ करेंगे थ्री सेवन टाइम ट्वेंटी वन और सेवन वन टाइम सेवन तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फोर्टी टू क्या आ गया हमारे पास टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई सेवन ठीक है टू थ्री हज़ार सिक्स और सिक्स सेवन टाइम फोर्टी टू ठीक हो गया उसके बाद थर्ड नंबर है हमारे पास सिक्सटी थ्री तो सिक्सटी थ्री की कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन सिक्सटी थ्री तो थ्री की टेबल को यूज़ कर लेते हैं थ्री टू टाइम सिक्स और थ्री वन टाइम थ्री उसके बाद ट्वेंटी वन तो थ्री सेवन टाइम ट्वेंटी वन और सेवन वन टाइम सेवन ठीक हो गया तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 63 थ्री इज इक्वल टू क्या आ गया है टू टाइम थ्री है और वन टाइम सेवन थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई सेवन तो देखें इन सब में जो कॉमन है वो हमारा हाइएस्ट कॉमन फैक्टर होगा एक तो ये देखेंगे ये थ्री हमारा तीनों में कॉमन है उसके बाद ये सेवन हमारा तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन है क्या आ गया थ्री मल्टीप्लाई सेवन और थ्री सेवन जार क्या आ जाएगा ट्वेंटी वन तो हमारा एच सी एफ क्या आ जाएगा ट्वेंटी वन लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज टू पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की वैल्यू है हमारे पास ट्वेंटी एट फोर्टी टू एंड फिफ्टी सिक्स ट्वेंटी एट फोर्टी टू एंड फिफ्टी सिक्स ठीक है तो सबसे पहले उसी तरह हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे सेपरेटली ट्वेंटी एट की पहले करेंगे तो ट्वेंटी एट देखें टू के डबल से हो जाएगा टू फोर्टीन टाइम ट्वेंटी फोर और फोर्टीन टू सेवन टाइम 14 फोर्टीन और सेवन वन टाइम सेवन ठीक है ये हमारी ट्वेंटी एट की आ गई उसके बाद फोर्टी टू की कर लेते हैं तो so, 42 के लिए हम टू के टेबल को यूज़ करेंगे टू टू टाइम फोर और टू वन टाइम टू ठीक है ट्वेंटी वन आ गया उसके बाद हम ट्वेंटी वन के बाद हम थ्री के टेबल को यूज़ कर लेंगे ट्वेंटी वन के लिए थ्री सेवन टाइम ट्वेंटी वन और सेवन वन टाइम सेवन उसके बाद फिफ्टी सिक्स रह गया उसकी कर लेते हैं फिफ्टी सिक्स टू टू टाइम फोर ठीक है यहाँ से वन कह इधर हो गया सिक्सटीन तो टू एट टाइम सिक्सटीन ठीक है उसके बाद ट्वेंटी एट है टू वन टाइम टू और टू फोर टाइम एट ठीक हो गया टू सेवन टाइम ट्वेंटी फोर फोर्टीन सॉरी और सेवन वन टाइम सेवन ठीक हो गया अब इन सबको हम लिख लेंगे सेपरेटली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ट्वेंटी एट तो ट्वेंटी एट की क्या आई है वन टू टू टाइम टू है और वन टाइम सेवन है ठीक है हो गया उसके बाद फोर्टी एट के लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फोर्टी टू तो फोर्टी टू की क्या है टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई सेवन टू थ्री जर सिक्स और सिक्स सेवन टाइम 42 उसके बाद 56 है तो प्राइम फैक्ट्रीजेशन ऑफ 56 वो क्या आई है टू टाइम थ्री टाइम टू है वन टू एंड थ्री थ्री टू टू जर फोर फोर टू जर एट और एट सेवन टाइम ट्वेंटी फोर ठीक हो गया थ्री टाइम टू था और वन टाइम सेवन ये हमने लिख दिया थ्री टाइम टू वन टाइम सेवन अब भी इसका ए सी एफ फाइन करते हैं तो देखें सब में कॉमन क्या है एक तो ये देखें टू सब में कामन है उसके बाद ये सेवन सब में कामन है ठीक हो गया तो क्या आ जाएगा टू मल्टीप्लाई सेवन तो टू सेवनज़ आर फोटीन